हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। दोस्तों यहां पर जो हमारे पास बॉक्स रखे हैं ये जियो एयर फाइबर है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो जियो का एयर फाइबर होता है और जियो का जो गीगा फाइबर होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो एयर फाइबर होता है, एयर फाइबर का मतलब होता है कि इसमें कोई बाहर से कोई केबल आपके घर के अंदर नहीं आएगी। जो आपका एयर फाइबर होगा वो सीधे वायरलेस कनेक्ट होता है। एक जो डिवाइस होता है वो आपके छत पे लगाया जाता है और जो उसका नीचे राउटर होता है वाईफाई वाला, वो आपके घर के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि बाहर से ये केबल घर के अंदर आती है और फिर वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, जिसके द्वारा आप इंटरनेट को यूज कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये है एयर फाइबर। यहाँ पर 3 बॉक्स आपको दिए जाते हैं और इनके प्लान अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सभी बॉक्स बता देता हूँ कि जो ये हमारे पास ये 3 बॉक्स है ये किस किस चीज के हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप हमारे हाथ में बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर आपको जियो का बैंड देखने को मिलता है जो कि आपके छत के ऊपर लगाया जाता है। ये बैंड आपके छत के ऊपर लगाया जाएगा एयर और फाइबर का बैंड है और हमारे बिल्कुल सामने टावर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टावर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टावर लगा हुआ है और इसी के बिल्कुल सामने ये एयर फ्रिक्वेंसी बैंड को रखा जाता है जो कि ये 5G को सपोर्ट करता है। ये जो दूसरा बॉक्स है, यहाँ पर आपको जियो का वाईफाई आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर हमारे पास ये तीसरा बॉक्स है ये है डिजिटल लाइफ। ठीक है, तो ये जो डिजिटल लाइफ लाइफ है ये है टीवी का बॉक्स। इसको आप जैसे डीटीएच का जो बॉक्स होता था, ठीक है, वो सेम इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से है। और ये आपका ये वाईफाई वाला बॉक्स है, ये आपका वाईफाई वाला बॉक्स है और ये आपका टीवी वाला बॉक्स है जैसे डीटीएच वगैरह होता था। अब दोस्तों इनका काम कैसे है, क्या इसका प्लान है, एयर फाइबर किस तरीके से वर्क करता है, आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 बॉक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपका बैंड होगा, यहाँ पर आपका वाईफाई वाला राउटर होगा, यहाँ पर डिजिटल टीवी वाला बॉक्स होगा। तो जो ये वाला राउटर होगा ये छत के ऊपर लगाया जाता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 5G को सपोर्ट करता है और जितने भी 5G के अंदर बैंड है वो अलग अलग इस फ्रिक्वेंसी के अंदर दिए जाते हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों जो दूसरा बॉक्स है ये 5G वाईफाई का बॉक्स है और ये सबसे हैवी होता है, सबसे गरुआ होता है। इसके अंदर आपका PU स्विच निकलेगा और साथ ही यहाँ पर जियो का वाईफाई निकलेगा। सबसे पहले इसके स्पेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप कॉर्नर पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, पीछे यहाँ पर आपके स्पेक्स दिए हैं। सबसे अच्छी यहाँ पर बात यह है कि ये Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है जो कि लेटेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर VPA 3 को भी सपोर्ट करता है जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर ये डुअल वैन का अगर आप मतलब नहीं समझते हैं तो एक होता है 2.4 GHz और एक होता है 5 GHz। जो 5 GHz होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और जो 2.4 GHz होता है वो भी पावरफुल होता है। तो यहाँ पर ये डुअल वैन के साथ में आता है और साथ ही यहाँ पर अगर आप 4K लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको 4K लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग गीगा बैंड सपोर्ट भी देखने को मिलता है और 2000 स्क्वायर फिट की ये एरिया को कवर करता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेक्स दिए गए हैं, इसके अंदर कौन कौन से यूनिट मिलते हैं यहाँ पर ये दिए गया है। यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है, आपको ये बॉक्स हम खोल के दिखाते हैं इस बॉक्स में क्या दिया गया है। और ये बॉक्स कुछ इस तरीके से है, और इस बॉक्स को इस बॉक्स के अंदर आपको ये जियो का जो वाईफाई है ये आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक PO स्विच होता है, PO स्विच होता है जो कि जो इंस्टॉलेशन वाले आए थे तो वहीं पर वो फिक्स कर गए हैं और हमने आपको ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया है, तो वो PO स्विच वहाँ पर लगा है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक PU स्विच भी देखने को मिल जाता है जो कि आपका ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर ये 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये आपको एक वाईफाई राउटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको ये ईथरनेट केबल मिल जाती है। ये जो एयर फाइबर है दोस्तों इस तरीके से आता है, इसके ऊपर एक स्लिप जैसी लगी होती है तो इसको अगर आप छुड़ाएंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर एक ये कवर्ड दिया रहता है, इसको भी आप छुड़ा सकते हैं। दोस्तों तो ये है जियो का एयर फाइबर वाईफाई जो कि 5G सपोर्ट करता है, साथ ही Wi-Fi 6 के साथ आता है, डुअल बैंड के साथ आता है, 2000 स्क्वायर फिट एरिया को ये कवर्ड करता है। इसकी वाईफाई 2000 स्क्वायर फिट एरिया को कवर्ड करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये जो वाईफाई है ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो आपका PU स्विच होगा
यहाँ पर लगेगा, और अगर आप कोई अलग कनेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको यूएसबी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसको इस तरीके से वॉल माउंट करवा सकते हैं, और या फिर चाहें तो आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे ग्रिप दी गई है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस तरीके से इसको खड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपके ये डॉट्स जैसे दिख रहे हैं तो इसकी जो हीटिंग होती है तो उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पर दी और गई वो है। तो और इसके पीछे बाद भी ये लगा जो हुआ लास्ट बॉक्स है ये है डीटीएच का, जैसे कि आपके घरों में डीटीएच बॉक्स होता है ऐसे ही ये डिजिटल डीटीएच बॉक्स आप इसको कह सकते हैं। ये टीवी का बॉक्स है और ये कुछ इस तरीके है। से यहाँ आता है। पर इसके एक अंदर आप आपको एक स्टार्ट गाइड आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ईथरनेट केबल देखने को भी मिल जाती है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये ईथरनेट केबल को भी सपोर्ट करता है, वाईफाई को भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ये चार्जर देखने को मिलता है, जो का ये एडाप्टर है, ये 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक इसके अलावा आपको यहाँ पर एक HDMI केबल भी देखने को मिलती है, जो कि ये इस तरीके से है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये HDMI को ही सिर्फ तो ये सपोर्ट डुअल बैंड पैन सपोर्ट करता है, मतलब 2.4 GHz को भी सपोर्ट करेगा, 5 GHz को भी सपोर्ट करेगा, साथ ही ये HDR10 को भी ये सपोर्ट और करता है। साथ ही साथ दोस्तों ही यहाँ पर आपको ये एक रिमोट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसी बॉक्स के अंदर निकलता है। मैंने आपको ये बताना भूल गया था। एक ये रिमोट भी मिल जाता है, रिमोट के अंदर आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से सारी बटने हैं, और ये ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है, और साथ ही ये इंफ्रारेड तो इसमें दिया ही नहीं है, ये डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसके मेन्यू बार दिए गए हैं रिमोट के, और ये आपका इस तरीके से है। और दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं LCD पे। अब दोस्तों इसके प्लान्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके जो प्लान्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, 6 मंथ के हैं, 12 मंथ्स के हैं, और जो इसका प्लान है वो एयर फाइबर है, एयर फाइबर मैक्स के साथ में ही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पर 599 प्लस GST और यहाँ पर 899 प्लस GST। जो 599 प्लस GST है इसके अंदर 30 MBPS की स्पीड आएगी, 30 MBPS की जो स्पीड है इसमें, जो बी है वो स्मॉल वाला है, मतलब अगर आप इसको भाग देंगे 8 से तो यहाँ पर आपको 3.5 MB के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपको अगर 899 और प्लस GST, यहाँ पर आपको 100 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ये 599 वाला है तो इसको आप दो वेरिएंट में ले सकते हैं, चाहे तो आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेंगे तो जो इंस्टॉलिंग जो चार्ज होता है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो उसकी कैपिटल अमाउंट है सिर्फ आपको वही देनी है, आपको कोई भी अलग से अमाउंट आपको पे नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर 599 वाला प्लान्स है प्लस GST, 899 वाला जो प्लान्स है प्लस GST। 599 वाला जो प्लान्स है दोस्तों, यहाँ पर आपको 599 प्लस GST पे करना पड़ेगा, और इसकी जो स्पीड है 30 MB की स्पीड है, साथ ही यहाँ पर डाटा आपको 1000 GB देखने को मिलेगा, वॉइस आपकी फ्री रहेगी, साथ ही यहाँ पर 550 प्लस जो है लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको OTT देखने को आपको मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो है 899 प्लस GST, और साथ ही इसके अंदर भी आपको वही सारी OTT एप्स, एक जो है 1199 प्लस GST का जो पैक है, अगर आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 MB/s की आपको स्पीड मिलती है, साथ ही इसके अंदर भी 1000 GB आपको डाटा देखने को मिलता है, वॉइस आपको फ्री देखने को मिलेगी, और डिमांडिंग चैनल मतलब आपका जो लाइव टीवी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर बेनिफिट्स ये है कि साथ ही यहाँ पर बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स आपको देखने को मिलता है, साथ ही अमेजॉन प्राइम आपको देखने को मिल जाता है, और जो ये जियो सिनेमा है यहाँ पर प्राइम सब्सक्राइब है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जियो जो सिनेमा है वो 1199 प्लस GST जब आप पे करेंगे तो आपको प्राइम देखने को मिलेगा। जियो सिनेमा अलग है, जियो सिनेमा प्राइम अलग है। जब प्राइम होता है तो हॉलीवुड मूवी डुअल आइडियो में आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल जियो सिनेमा को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको हॉलीवुड मूवी डुअल आइडियो में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ये नेटफ्लिक्स है यहाँ पर बेसिक है, नेटफ्लिक्स यहाँ पर बेसिक नेटफ्लिक्स यहाँ पर दिया तो गया दोस्तों है। मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप 6 महीने का प्लान लेंगे तो वहाँ पर आपको 5200 रुपये के आसपास पे करना होगा, जो कि 4200 रुपये कंपनी का होता है और 1000 रुपये लेबर चार्ज आप चले आ जाता है। लेकिन अगर आप साल भर का इनका मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये जो लेबर चार्ज होता है वो आपको नहीं देना होता है, 8 8500 रुपये आपको समथिंग पे करना होता है 1 साल के लिए। अगर आपको 30 MB/s की आपको स्पीड मिलती है डिवाइडेड बाई 8 तो वहाँ पर 3.5 MB की आपको स्पीड देखने को मिल जाती है।
जाती है, और साथ ही वहां पर आपको 1000 GB डाटा देखने को मिलता है, और जितने भी OTT हैं आपको वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे प्लान्स आपको अलग अलग कैटेगरी में देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं।